नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए अपने नए एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एटीएम का पिन भूल गए हैं तो उसे बदला कैसे जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। और दोस्तों, कल ही मैंने मेरे नए ऑनलाइन रिवॉर्ड्स वाले डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी सबसे पहले आपको अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ आपको अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन होने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ सर्विसेज में आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है सेट और या फिर रीसेट पिन, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ ऊपर आपको अपना डेबिट कार्ड दिख जाएगा। अब यहाँ नीचे सेट पिन पर क्लिक कर देना है। तो बस अभी आपको अपने 4 अंकों का नया पिन डाल देना है और फिर यहाँ वापस दोबारा उसी पिन को नीचे भी टाइप करना है और उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ आपको वापस अपने 6 अंकों का एम पिन डालना होगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, और साथ ही में मुझे मेरे मोबाइल पे एक कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल चुका है। और दोस्तों, इसमें यह भी लिखा है कि अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना है तो आपको एक बार उसे इनेबल करना होगा। तो अगर आपने अपना डेबिट कार्ड इनेबल किया हुआ है फिर तो कोई बात नहीं है, पर अगर नहीं किया तो इसे इनेबल अभी करें। और अगर आपको इनेबल करना नहीं आता तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जो आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ATM में जाकर वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखा है जो आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख के सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।